Hello and welcome. I'm Shilpa Ratnam and you're watching the morning news on CNN News 18. Starting off with some news coming in about religious strife from a Gurudwara. A clash erupted between two groups over the leadership inside Gurudwara in Punjab's Faridkot on Saturday. The conflict between the two groups escalated to such an extent that both parties attacked each other with daggers. Two women have been injured in the incident. Cops have filed an FIR against 9 people and 3 have been detained. And those are the visuals on your screen there. This seems to have taken place over leadership between the former leadership and those wanting to aspire to the current leadership. And shocking because there's been use of daggers inside the Gurudwara. We're also hearing that an investigation has been called into this case and it has been referred to the Sikh body. Going across to my colleague Naresh Sethi from Punjab, who brings us more on this. Very good morning to you, Naresh. Ye ladai kaun kaun se group ke beech mein hui hai aur ladai ki wajah bhi kya hai, zara aap hame vistar mein bataiye. देखिए, ये जो मामला है जो फरीदकोट की जर्मन कॉलोनी में स्थित है, जो गुरुद्वारा साहब निशान सिंह, वहाँ की जो प्रबंधक कमेटी होती है, लोकल प्रबंधक कमेटी, उसकी प्रधानगी को लेकर जो ये सारा विवाद खड़ा हुआ था. कल संग्रांत का समय था और उस समय वहाँ एक पक्ष ने आकर प्रधानगी की चोन को लेकर दावा किया कि वो प्रधानगी की चोन चाहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष इससे इनकार कर रहा था क्योंकि उनका एक टर्म एक साल का भी और रहता था, क्योंकि 4 साल की टर्म तय की गई थी जो प्रधानगी के लिए, और जो पहला प्रधान जो अभी कार्यकारी प्रधान है उसकी 1 साल की टर्म अभी बाकी थी. तो इसको लेकर विवाद बढ़ा और विवाद गाली गलौज तक पहुंचा और इतना ज्यादा जबरदस्त विवाद बढ़ गया कि हाथापाई तक नौबत आ गई और इस हाथापाई में एक दूसरे की पगड़ी उतारी गई, एक दूसरे के जो बाल है वो उखाड़े गए. तो काफी ये विवाद बढ़ा, यहाँ तक कि गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा उसको भी नहीं देखा गया. जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने जो शस्त्र सुशोभित होते हैं लोगों के दर्शनों के लिए होते हैं, वो शस्त्र होते हैं जो सिख धर्म में जो शस्त्र माने जाते हैं, जैसे कृपाण हो या दूसरा भाला वगैरह हो, तो उस शस्त्रों को उठाकर भी एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए और इतना विवाद बढ़ा कि एक दूसरे को जख्मी कर दिया. इसमें 3 लोग जख्मी हो गए जिनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया. और बाद में अगर बात करें तो प्रधानगी को लेकर ये चला जो विवाद है पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ अभी मामला दर्ज करके 3 लोगों को राउंड अप भी कर लिया. जी शिल्पा, ये तो बहुत शर्मनाक घटना है जैसे कि आप बोध कर रहे हैं और बात हमें बता रहे हैं. तो कोई सिख बॉडी को रेफर किया गया है ये मैटर और क्या वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? देखिए, जो अगर हम बात करें ये लोकल जो प्रबंधक कमेटी होती है उसमें SGPC का दखल तो नहीं होता क्योंकि उसका जो कार्यभार है वो सब लोकल प्रबंधक कमेटी संभालती है, लेकिन फिर भी की तरफ से इस मामले को लेकर काफी संज्ञान लिया गया और दोनों पक्षों की जो बात सुनने के लिए उसको समन किए गए, उनको बुलाया गया कि दोनों अपना पक्ष रखें. और इस बात की सारी रिपोर्ट भी SGPC ने तलब की है कि जो भी इस मामले में हुआ या क्या किसकी गलती थी या क्या वजह हुई थी, तो सारी रिपोर्ट अभी SGPC ने भी मंगाई है. और वहीं अगर बात करें तो जो सिख आगू है, जो सिख धर्म से रिलेटेड आगू है या कथावाचक है, वो इस सारे मामले की निंदा कर रहे हैं क्योंकि गुरु घर में जो मर्यादा होती है उसको बिल्कुल तार तार किया गया. जो भी वहाँ शस्त्र थे, जो क्योंकि हम जो शस्त्र हैं उनको नमन करते हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, तो वो शस्त्र भी वहाँ से उठा के एक दूसरे पे हमला किया गया. तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय घटना थी और बहुत इस घटना को लेकर सभी तरफ से इसकी निंदा की जा रही है. गुरुद्वारा के परिसर में अगर ऐसी बात होती है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना है. अगर कोई मसला था या कोई इसकी बहस थी तो गुरुद्वारा के बाहर भी इसको निपटारा किया जा सकता था, लेकिन गुरुद्वारा के अंदर जो गुरुद्वारा के परिसर के अंदर जो ऐसी घटना जहाँ काफी संगत संक्रांत के दिन बैठती है, लोग दर्शन करने आते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो वहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, तो उनके सामने अगर ऐसी घटना घटती है वो भी जो गुरुद्वारा के प्रधान हैं या जो अच्छे लोग हैं जो इस कमेटी को संभालते हैं, अगर वो ऐसा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो बुरा असर संगत पर भी जाएगा. जी जी बिल्कुल. और वहां पे हम देख सकते हैं एक बच्चा भी उधर फंसा है और जैसे कि आप बता रहे 3 महिलाओं को भी चोट पहुंची है.